नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीडीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जांच के दौरान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश पर SECL कोल माइंस के बंद खदानों एवं गोफ एरिए का मुआयना करने के लिए NGT विशेषज्ञों की टीम उमरिया पहुंची, जहां जिले के कोल माइंस अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता द्वारा किए गए शिकायत के कुछ चिन्हित स्थानों पर मुआयना किया गया। वहीं NGT टीम के डायरेक्टर ने बताया कि कोल माइंस एरिया का निरीक्षण किया गया है। उस दौरान देखा गया कि किन कारणों से गोफ एरिए की जमीन में दरार पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लोकेशन में कई जगह माइनिंग से प्रॉब्लम हो रही है और कई जगह पानी से प्रॉब्लम बनी हुई है। जांच के दौरान सही तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण के दौरान NGT विशेषज्ञों की टीम जिले से रवाना हो गई। वहीं स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि उमरिया जिले का अधिकांश भाग कोल माइंस के गोफ एरिए में आता है। गोफ होने के कारण जमीन धसक सकती है, जिससे और भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। इसके पूर्व में भी गोफ खदान में गिर कर कई इंसानी जिंदगियां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं एवं कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। आए दिन जमीन धंसने के कारण जनमानस में भय का माहौल बना रहता है। मैं जो अपने उमरिया जिले में माइंस है, ये समय की बात जो है बैठ रही है, फंस रही है, कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। इसको लेकर के अपन ने एक NGT में पिटीशन फाइल किया है। NGT ने एक्सपर्ट की एक टीम भेजी थी, पिछले 23 मार्च को भी टीम आई थी, लेकिन जिसमें कुछ लोग नहीं आ पाए थे, उसी टीम को फिर से जो है वापस भेजा गया है। ये लोग जांच करेंगे कि ये जो माइंस बैठ रही है इसके क्या कारण है और उसमें अपन क्या समाधान कर सकते हैं। बस ये तो हम लोग NGT की तरफ से आए हैं और सब एरिया का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, देख रहे हैं कि क्या ये माइनिंग की वजह से है कि किसी और वजह से है, क्योंकि NGT का जो लोकेशन है वो जियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट भी है। कई जगह माइनिंग प्लेस भी हो सकती है। दूसरे ओपिनियन भी आ रहे हैं कि आपका स्टाटा ऐसा है, लाइम स्टोन है, पानी की वजह से है, रेड होल की माइनिंग की बात हो रही है, लेकिन ये तो सत्य है कि कुछ जगह पे जो है आपको मिक्स रिएक्शन। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।